हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे अपना डिवीज़न पार्ट टू। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक मैंने इसका लिखवा दिया था, अब आज से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अपने ट्रिक्स वगैरह भी देखेंगे इसमें कैसे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 76-96 में, 7696 में हमें 52 से भाग देना है। ठीक है, पहले हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। यहां लिख देंगे हम 76, यहां लिखेंगे 7696। ठीक है, और हमें किससे देना है भाग? 52 से देना है। मान लीजिए आपको 52 का टेबल नहीं पता है, ठीक, तो इसको दो पार्ट में कर लीजिए। 5 को यहाँ पे लिख दीजिए, इकाई दहाई वाला जो अंक है इस 5 को यहाँ लिखिए, और जो इकाई वाला अंक है यहाँ इस तरह गुणा करके 2 लिख दीजिए। ठीक है, इतना काम कर लिए। अब देखिए, एक बार और समझ लीजिए, 52 है, 52 को यहाँ लिखिए और इसको बीच से लाइन कर दिए। ठीक है ना, इकाई वाला अंक यहाँ लिख दीजिए, बाकी जो अंक इधर बच रहे हैं दहाई सैकड़ा हजार जो भी अंक बचेंगे इधर लिख लेंगे। ठीक, इकाई का अंक यहाँ हो गया। अब देखिए, ये जो 2 है यहाँ गुणे में लिख दिया और ये 5 हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए, 5 से हम भाग दे रहे हैं, 5 एकम या 1 लिख दिए 5। अब हम माइनस कर रहे हैं इसमें से, 5 में से माइनस किए तो कितना बच गया? 2। अब 2 तो 5 से छोटा हो गया, कटेगा नहीं, तो अब इसलिए हम 6 उतारेंगे। तो एक फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर कोई अंक यहाँ से उतारिएगा, ठीक, तो इस 2 से इसमें गुणा करके उसको यहाँ घटाना होगा। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए हम 6 उतारे, 6 उतार लिए, तो अब इस 2 का गुणा हमें इसमें करना है, 2 में 1 से गुणा करके तो कितना होगा? 2। और यहाँ हम इसको पहले माइनस कर लेंगे। यहाँ देखिए, अगर ऊपर से हम कोई अंक उतारेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 6 मैंने उतारा, तो इस 2 से हमें गुणा करना है इसमें, और जो आएगा उसको हमें यहाँ माइनस करना है। तो माइनस कर रहे हैं, 2 आया है यहाँ पे, ये आ गया 24। अब हम 5 से 24 में भाग देंगे तो कितना जाएगा? 5 चौके 20। क्या आ गया यहाँ पे? ये 2-2 कट गया, यहाँ आ गया 4। अब ये 5 से तो 4 जाएगा नहीं, तो फिर हमें एक उतारना पड़ेगा 9। 9 मैंने उतार लिया। जब मैंने 9 उतारा तो फिर अब मुझे इस 2 से गुणा करना होगा इसमें, तो कितना होगा? 4 दुनी के 8। यहाँ हम इसमें अब माइनस करेंगे 8, 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और ये 4, 41 आ गया, 41 आ गया ना। अब इस 41 को हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा 41 आ गया। अब इसको हम कटाएंगे 5 से, तो 5 8 है 40, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया अभी यहाँ पे? 1। अभी 1 अंक और यहाँ बचा है, अब इसको उतारेंगे हम यहाँ पे, तो ऊपर से हम कोई अंक उतारे हैं तो पता ही हमको कि यहाँ हमको गुणा करना पड़ेगा जो भी अंक आया होगा। तो इस 2 से हम गुणा किए 8 में, तो यहाँ क्या आ गया? 16। यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो बस इस संख्या का भागफल क्या होगा? इस संख्या का भागफल हो जाएगा आपका 148। यही है आपका आंसर। देखें कितना लॉजिकल ट्रिक है, कितना आसानी से कर लिए आप भाग। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं और अच्छे से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हमें 52 से भाग देना है, ठीक, 52 से हम 52 लिख दिए। मान लीजिए हमें 52 का पहाड़ा याद नहीं है, 5 का याद है ना, तो हम 2 को ऐसे ही लिख दिए, तो 2 को यहाँ गुणे में लिख देंगे और 5 का हमें टेबल याद है तो इसलिए हम 5 को यहाँ लिख लिए। अब हम इस 5 से इसमें भाग देंगे, 5 से एक बार भाग दिए तो कितना बच गया? 2। अब ऊपर से हम कोई अंक उतार रहे हैं 6, क्योंकि ये 2 तो कटेगा नहीं 5 से, इसलिए हम 6 उतारें। अब हम कोई अंक उतारेंगे तो यहाँ जिस संख्या से हमारा भाग आया होगा उसमें हम उसे गुणा करेंगे, और फिर उस गुणे से जो किए रहेंगे जो आया रहेगा उसको हम यहाँ माइनस करेंगे। तो पहले हमारा 1 है तो इस हम 2 से गुणा किए यहाँ, तो 2 आ गया, और इस 2 को माइनस किए तो यहाँ 24 आ गया। अब 24 में अब हम 5 से भाग दिए तो 20 हो गया, ठीक, 20 हो गया, 4 यहाँ लिख दिए 20 हो गया ना। अब 20 में से हम माइनस किए तो 4 यहाँ आ गया, अभी 4 5 से कटेगा नहीं, तो इसलिए हम फिर हमने 9 उतारा, 9 उतारा
तो याद ही है आपको कि जब हम कोई संख्या ऊपर से उतारेंगे तो इस संख्या से हमें गुणा करना है उसकी अगली वाली संख्या से, तो एक के बाद हम चार में गुणा करेंगे दो से, तो कितना हो गया आठ, आठ माइनस किया यहाँ इकतालीस आ गया, अब इकतालीस में हम भाग देंगे पाँच से, तो कितना हो गया पन्ना आठ चालीस हो गया, और फिर एक आ गया अभी ठीक। अब एक आने के बाद मैंने देखिए अब यहाँ पे हम छः उतारेंगे, एक तो पाँच से कटेगा नहीं, तो छः उतारेंगे तब जाके कटेगा ना, तो छः उतारे हम, अगर ऊपर से कोई अंक उतारे तो फिर हमें दो से गुणा करना होगा, तो इस आठ में अब हम दो से फिर गुणा करेंगे सोलह, और सोलह सोलह यहाँ पे जीरो हो गए, तो अब हमें कटाना ही नहीं है, ख़त्म, बस जो आया ये हमारा हो गया आंसर ठीक है। चलिए नोट, चलिए फ्रेंड देखिए अगला क्वेश्चन, छियालीस पाँच सौ बारह में एक सौ दो से हमें क्या करना है भाग देना है, तो चलिए वही ग्राफ बनाते हैं फिर से, क्या हो गया यहाँ पे छियालीस पाँच सौ बारह, अब हमें देखिए यहाँ एक सौ दो में भाग देना है, तो मान लीजिए हमें दस का टेबल याद है, दो का टेबल याद हमें नहीं है, तो हम दस ले लेंगे यहाँ पे, ये दो छोड़ दिए, इस दो के अब हम यहाँ पे लिख दिए गुणे के रूप में, और इस दस को हम ले लिए यहाँ पे ठीक, समझ गए ना यहाँ तक का प्रोसेस, 102 है तो हमें 10 का टेबल याद है, 2 का याद नहीं है, 102 का याद नहीं है, तो 2 को यहाँ गुणे में लिख लिया और 10 को यहाँ लिख लिया, अब देखिए हम भाग देते हैं वैसे ही, 10 से ये कितनी बार में जाएगा 40, चार बार में माइनस किए, ये चार चार क्या हो गया कट गया, ये 6 आ गया ठीक। अब हम कोई संख्या ऊपर से उतारेंगे 5, क्योंकि 10 से तो जाएगा नहीं, तो 5 उतारें, और जब हम कोई संख्या ऊपर से उतारेंगे तो इस संख्या से हमें इसमें गुणा करके फिर यहाँ माइनस करना होगा, तो चार दुनी आठ, अब इसमें से माइनस किया तो कितना हो गया आठ पाँच तेरह, ये हो गया सात, और ये हो गया पाँच ठीक। अब हम इससे भाग देंगे, दस से भाग देंगे तो कितना होगा दस पचे पचास, ये कट गया, ये सात आ गया। अब हम एक उतारेंगे, तो मैंने ऊपर से एक उतारा इसलिए अब हमें दो से इसमें गुणा करना होगा, दो से गुणा किया पाँच में कितना हो गया दस, अब माइनस कर दिए कितना आ गया इकसठ, अब इकसठ में हम छः से भाग दे देंगे तो कितना हो गया साठ, ये छः कट गया, ये एक आ गया नीचे, और ये कितना है अब दो बच गया, ये बारह को उतार दिए ठीक। अब दो जब ऊपर से हम उतारे हैं नीचे तब यहाँ हमें इससे गुणा करना होगा, तो छः में हम दो से गुणा किए कितना हो गया बारह, और रिमाइंडर हमारा क्या बच गया जीरो, तो बस यही हो गया हमारा भागफल, जो कि हमारा उत्तर हो गया चार पाँच छः छप्पन आंसर, समझ गया ना, देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है, ये भाग देने का एक ट्रिक है, नया अनोखा तरीका है, करते रहिएगा। देखिए फ्रेंड एक बार फिर समझ लीजिए, 102 है, हमको 102 का टेबल पता नहीं है, हम 10 से भाग देंगे, तो 2 को यहाँ लिख दिए, 10 को हम यहाँ लिख लिए, अब भाग दे रहे हैं, 10 से हम भाग दिए 46 में, तो 40 हो गया, 6 हमारा नीचे उतर गया ठीक। अब ये 6 तो 10 से कटेगा नहीं, तो हम 5 उतार रहे हैं, और जब हम 5 उतार दिए तो बोले हैं कि जो जब कोई ऊपर से हम संख्या उतारेंगे तो इससे हम इस पर गुणा करके इसको माइनस करेंगे, तो 5 उतारे तो इस 2 से इस 4 में हम गुणा किए 8, इसको हम माइनस कर लिए ठीक है। माइनस करने के बाद फिर 50 हो गया, 50 में 10 से भाग दिया तो कितना गया 50 बार मारे, यहाँ से गया तो फिर आ गया 7, फिर यहाँ से हम 1 उतारे तो 1 उतारे तो फिर हम गुणा किए 5 से, 10 हो गया, फिर आ गया 61, 61 में हम 10 से भाग दिए तो 6 आ गया, 6 आने के बाद यहाँ 1 आ गया, 1 के बाद हम फिर 2 उतारे, 2 उतारने के बाद हम फिर इससे गुणा कर दिए, 6 दुना 12 हो गया, 12 12 यहाँ 0 हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नोट करिए, देखते हैं फिर अगला ट्रिक कोई, 2 से गुणा करें तथा एक अंक बाद दशमलव लगा दें, अगर संख्या में 5 से भाग देना हो, तीसरा स्टेप क्या करा है, या तो 5 के पावर 1 हो, 5 के पावर 2 हो, 5 के पावर 3 हो, 5 के पावर 4 हो, 5 के पावर 5 हो, 5 के पावर 6 डॉट डॉट 5 के पावर इनफाइनाइट तक की संख्या, 5 से देना भाग इनफाइनाइट तक ऐसी संख्या में हम भाग देंगे ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ बस एक चीज़ को आपको याद रखना है, ये देखिए ये 5 दिया है यहाँ पे, 5 से हमें भाग देना है ठीक, तो ये 5 के पावर क्या है, एक ही है ना, एक है, 5 के पावर एक ही है, मतलब 5 है सिर्फ, पावर रहे या ना रहे कोई फर्क तो है नहीं, तो बस इसमें अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे नहीं ऊपर गुणा करना, अब देखिए गुणा कर रहे हैं तो 7 दुना 14 हो गया, हासिल एक, 3 दुना के 6 एक 7, ये कितना हो गया 2 2 4, एक अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे हमारा हो गया दशमलव, ये हो गया हमारा आंसर।
समझ गया ना। चलिए अब एक हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 56 23 8। चलिए फ्रेंड इस एग्जांपल को देखिए, 5 से 20 में हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर क्या करना है हमें, क्योंकि ये 5 की पावर 1 ही है इस पर, तो हमें 2 का गुणा करना है। देखिए अब कैसे कर रहे हैं, 8 दुना 16, 3 दुना 6 1, 7, 2 दुना 4, 6 दुना 12, अब 5 दुना 10 और 1 11। एक अंक के बाद हमें क्या करना है, ये दशमलव लगाना। ये हो गया हमारा आंसर। है ना फ्रेंड्स, बस ट्रिक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए यहाँ पे 432/25 दिया है ना, मान लीजिए 432 में हमें 25 का भाग देना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स इस 25 को हम क्या है, ये 25 दिया है, इसको एक बार देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ना 5 के पावर 2। 5 के पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 ही होगा, तो कोई फर्क है नहीं, 5 के पावर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब 5 के पावर 2 हुआ यहाँ पे, ठीक 5 के पावर जब 2 हुआ, तो इस 2 से अब हम इसमें गुणा कर देंगे। ये 2 से गुणा करने के लिए था, अब हम यहाँ 2 से नहीं 4 से गुणा करेंगे। यहाँ देखिए 5 के पावर 2 हो गया, तो इसलिए अब इस पावर से हम इसमें गुणा करेंगे। इसमें 2 से गुणा करने के लिए क्या आ गया, तो अब हम यहाँ 4 से गुणा करेंगे, ठीक। आइए जो एक अंक के बाद दशमलव था, अब उसमें भी हम 2 से गुणा करेंगे, तब दशमलव हमारा 2 अंक के बाद लगेगा। समझ गए ना, ये जो पावर हमारा हो गया 25 से हमें भाग देना इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5 का पावर 2। अब यहाँ पावर 2 हो गया, तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, अब यहाँ हम 4 से भाग देंगे, ठीक। और इस 2 को भी हम यहाँ दशमलव वाले में भी गुणा करेंगे, तो 2 अंक के बाद अब हम दशमलव लगाएंगे। अब देखिए अब इसको हम लिख दे रहे हैं फिर से 25, क्योंकि अभी दिखाने के लिए आपको किए थे, 25 का कर रहे हैं, अब हम 4 का गुणा कर रहे हैं, कितना हो गया, 4 दुना 8, 4 3 12, 4 चौके 16 1 17। 2 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है, ये हो गया हमारा 17.28 आंसर। समझ गए ना कितना मस्त ट्रिक है। चलिए नोट करिए फ्रेंड्स, चलिए एक और एग्जांपल देखिए। छत्तीस 21 में हमें क्या करना है, 25 का भाग देना है, तो 25 को हम लिख सकते हैं ना 5 के पावर 2। अरे भाई 5 के पावर 2 करेंगे तो 25 ही होगा, अब 5 के पावर जब यहाँ पावर 2 हो गया, तो इस 2 का हमें इसमें गुणा कर लेंगे ट्रिक में अपने, तो 2 का गुणा किया तो कितने है? अब हमें यहाँ 4 से गुणा करना होगा, 2 का गुणा किया इसमें, तो 2 2 4 हो गया। अब इसी 2 से हमें इस दशमलव में एक अंक के बाद बोला है ना, तब 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना होगा। अब देखिए गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, 4 4 दुना 8, 6 चौके 24, 4 3 12 13 1 14, ये 2 अंक के बाद हमारा दशमलव, 144.84 हमारा आंसर। हो गया ना फ्रेंड्स, बस ट्रिक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना। अब यहाँ से मान लीजिए फ्रेंड, देखिए 5 की पावर अगर 3 रहेगा तो उसके बाद वैसे ही गुणा करते चलिएगा, और 5 की पावर 3 होगा ना, तो यहाँ पे 8 कर लीजिए, 8 से गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। ये गुणा देखिए जैसे जैसे आपका यहाँ अंक बढ़ता जाएगा, जैसे 5 है तो यहाँ 2 से गुणा किए, ठीक 25 आ जाएगा, तो इसका दोगुना करते जाना है, 4 से गुणा करेंगे 125 आएगा, तो 8 से गुणा करेंगे, ठीक। ऐसे करते करते बढ़ाते जाइएगा, ठीक है ना। और यहाँ दशमलव है, एक एक अंक करके बढ़ाते जाइएगा, जैसे 5 है तो एक अंक, 25 है तो 2 अंक, 125 है तो 3 अंक, समझ गया ना, ऐसे करते करते बढ़ाना है, कर लीजिएगा, इजी है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तथा कमेंट करना मत भूलिएगा, समझ रहे कि नहीं। वैसे भी आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो हमारी तरफ से सारी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सब लोग सलामत रहिए और वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स,
तो चलिए मिलते हैं फिर हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।